विरोध के नाम पर बवाल की ये तस्वीरें देखिए और एक बार सोचिए कि क्या गोरखपुर को जानबूझकर हिंसा की आग में झोंका गया। यूपी के सीएम का शहर होने के बतौर क्या खास तौर से गोरखपुर में हंगामे की स्क्रिप्ट लिखी गई? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि शुक्रवार को पुलिस पर ईंटबाजी करने वाले कई चेहरे सामने आ चुके हैं। गोरखपुर पुलिस ने बकायदा इनकी तस्वीरें जारी कर दी हैं। भीड़ में शामिल होकर उसे पथराव के लिए उकसाकर भीड़ की आड़ में बच निकलने की प्लानिंग भले इन्होंने कर ली, लेकिन अपने इरादों को ये कैमरों से नहीं छुपा पाए। ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है, इसके लिए गोरखपुर पुलिस से जारी इन तस्वीरों पर गौर कर लीजिए। कान से लगा मोबाइल फोन और हाथों में थमी ईंट पर गौर कीजिए तो सारा गोरख धंधा समझ में आ जाएगा। समझना मुश्किल नहीं है कि पथराव शुरू करने के लिए इन्हें अपने आका के हुक्म का इंतजार है। जाहिर है ये अपने कई लोगों को भी जुटा कर लाए होंगे। गोरखपुर पुलिस के पास ऐसी एक नहीं अनेक तस्वीरें हैं और आपको बता दें कि इन चेहरों की तलाश भी शुरू हो चुकी है। ईंटें फेंक कर इनके चेहरों पर उतर आई वहशी मुस्कानों पर भी आपको गौर करना होगा। सोचना होगा कि ये हक की आवाज बुलंद करने सड़कों पर निकले हैं या किसी साजिश का हिस्सा बनकर। सोचना होगा कि इन्होंने जिम्मेदार नागरिक बनकर चीजों को समझना चाहा या फिर बवाल के लिए दूसरों को उकसाने का औजार बन गए। सोचना होगा कि ये साजिशन ब्रेन वॉश के शिकार हैं या ब्रेन वॉश करने वालों के पैरोकार हैं। ये बात हम सबको सोचनी होगी और उन परिवारों को तो खासकर जिनका ये हिस्सा है, जिनके चश्मों चिराग हैं, जिनको इनसे उम्मीदें हैं। यकीन मानिए गोरखपुर को उकसाकर ये चेहरे कहीं छिप गए होंगे, लेकिन ये भी तय मानिए कि ये ज्यादा देर तक खुद को छिपा नहीं पाएंगे। और हाँ, अगर आप भी इनमें से किसी चेहरे को जानते हैं, उनकी फितरत पहचानते हैं, तो गोरखपुर पुलिस को इसकी सूचना दे सकते हैं। 9454403517 और 9454401411 ये दो मोबाइल नंबर हैं जिन पर आप इन चेहरों से जुड़ी सूचनाएं शेयर कर सकते हैं। एक बार फिर इन मोबाइल नंबरों को अपने जहन में रख लीजिए। 9454403517 और 9454401411। गोरखपुर को हिंसा की आग में झोंकने वालों की जानकारी देने वाले शख्स की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और उन्हें उचित इनाम भी दिया जाएगा। ये ऐलान गोरखपुर पुलिस और यूपी पुलिस के आला अफसरों ने किया है। याद रखिए, विरोध जताना हमारा संवैधानिक हक है, लेकिन विरोध की आड़ में हिंसा और इसे उकसाने वाली कोई भी हरकत गैर कानूनी है। जी हिंदुस्तान की अपील है, बतौर नागरिक देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।